हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड 11th क्लास का एनुअल टेस्ट, जो इंटरनल एग्जाम चल रहा है उसके लिए जो फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं गुरु मोहित स्टडी पॉइंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% यहीं आएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। तो दोस्तों, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को दिखाते हैं और इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दे दिया गया है, बिल्कुल सभी प्रकार के आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, खंड ब है, खंड अ ऑलरेडी हम बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ पर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, क्यों देरी नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। देखिए, इन लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आप लोग चाह सकते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, पीडीएफ ले लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर। चलिए, यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन दिया गया, पहला में देखिए, तनी हुई डोरी या तार को जिसकी लंबाई के लंबवत कंपित करने पर कैसी तरंग उत्पन्न होगी, ठीक है ना, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर दे दिया गया, ध्वनि की प्रतिकरण की भाषा क्या होगी, प्रगामी तथा अगामी तरंगों के बीच में अंतर दीजिए। चार नंबर है, तरंग की चाल और तरंग दैर्ध्य एवं आकृति के बीच संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि ऊष्मा विवरण के लिए किरचॉफ के नियम की व्याख्या करें। छः नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रियता प्रकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि 10 प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक दिया गया है, ठीक है ना। कुल जो प्रश्न दिया गया है 10 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को दे देना है। यहाँ पर प्रश्न बहुत सारा, 18 प्रश्न दिया गया, 18 में आपको 10 ही प्रश्नों को उत्तर दे देना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब दीर्घ उत्तरीय में देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय दिया गया है, प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दीर्घ उत्तरीय में। देखिए, दिया गया है कि प्रक्षेपण गति से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पर उड़ान काल, ये सब दिया गया है। इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है, ये सभी प्रश्नों का आंसर आपको दे दिया गया है। आप चाह सकते हैं तो स्क्रीन शॉट यहाँ से आप लोग जल्दी से ले लीजिए। चलिए यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं, तो पहला का देखिए, 18 को क्वेश्चन दिया गया है लघु उत्तरीय में, आप जो मन करे वो बनाइए। 18 को दिया गया है ना, 18 में से 10 को बनाना है, यानी कि 8 को छोड़ देना है और 10 को बना लेना है आपको सिंपली से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हम पहला का नहीं दूसरा का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, दिया गया ध्वनि के प्रतिकरण की परिभाषा करें। तो ध्वनि की प्रतिकरण, देखिए ध्वनि का व्यक्तिकरण है, जब समान आकृति या असमान दो ध्वनि तरंगों एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्विवरण हो जाता है, इस घटना को ध्वनि का व्यक्तिकरण कहते हैं। देखिए इस कितना आसान है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को 3 नंबर दे देना है, प्रगनाम तरम तथा अगर अप्रग्राम तरग में अंतर आपको दे देना है, ये 3 नंबर प्रश्न है और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कुल आपको 10 ही प्रश्न बनाने हैं, 18 को दिया रहेगा। देखिए 5 नंबर एक बना लीजिएगा, उसके बाद में 6 नंबर, उसके बाद में 8 नंबर। देखिए आदर्श गैस एक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक गैस है। देखिए सभी का आंसर यहाँ पर दे दिया गया, आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और पूरा वीडियो को देखिए और यहीं से पारा पारी आप लोग स्क्रीन शॉट ले ले जाइए, ठीक है ना। 5 का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 6 का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक रोक और 8 का स्क्रीन शॉट, 9 का उसी प्रकार से ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं यहाँ पर देखिए। उसके बाद में 11 का स्क्रीन शॉट ले लो, 12 का ले लो, और उसके बाद में 13 का ले लो, 14 का ले लो, 17 का ले लो, ठीक है, ये सभी हो गया, ठीक है ना। 17 को हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो गया था, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अपना मन से कोई भी बना लो, या फिर ये तो सेंटर एग्जाम में इसमें नहीं बनाओगे तभी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। सभी प्रश्नों को आप लोग को आंसर अच्छा से आपको लिख देना है, बिल्कुल सभी प्रश्न आपको मैं बता दिया, कौन कौन से प्रश्न रहेगा, कितना क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरीय से लेकर यही प्रश्न आएगा बस, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। तो आप लोग बेफिक्र होकर इस क्वेश्चन को देखिए, याद करिए और आप लोग जाकर एग्जाम में बिल्कुल पूरा का पूरा 100 नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव तो बता दिया ऑलरेडी, 100 में सब आप लोग लेकर आइएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 6207 32720 इसी नंबर पर आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। आने वाला हर वीडियो, यानी इसके बाद में केमिस्ट्री का आएगा, इसी प्रकार से आएगा आपको हिस्ट्री का, जो भी आपका एग्जाम होगा उस दिन से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पर। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।